हाय एवरीवन, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स में बायो सावर्ट ला या बायो सावर्ट का नियम, उसे बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि आप इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र अक्सर ये क्वेश्चन बहुत कई बार पूछा जाता है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो चुंबकीय क्षेत्र आप इमेजिन करो क्या हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र। मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ, हालांकि ये टॉपिक जो लिखा हुआ है इस टॉपिक को इग्नोर करो, मैं मेरी वॉइस में ध्यान दो। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आप ऐसा मान सकते हैं, जैसे चुंबक एक मैग्नेट होता है और मैग्नेट का एक साउथ ध्रुव, एक नॉर्थ होता है और साउथ होता है। तो उसको हम कंपास की हेल्प से क्या करते हैं, कंपास होती है तो कंपास की हेल्प से क्या देखते हैं कि ये साउथ में, मतलब जो नॉर्थ इसमें कहाँ से निकलती है, जो एन मीन होता है निकलना, साउथ की तरफ जाती है, मतलब एन से साउथ की तरफ जाती है, नो एन से एस की तरफ जाती है वे, या एक चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं होती हैं वे जाती हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं कुछ पॉइंट पर जाती हैं, मतलब वहाँ से दूसरे सिरे पर जाती हैं। ठीक, अब वो दूसरे सिरे पर जाते हुए क्या होती हैं, अब चुंबकीय क्षेत्र की लिमिट कहाँ है, मतलब उसकी क्षेत्र कहाँ तक है। सपोज करो हम चुंबक से 1 मीटर की डिस्टेंस पर कुछ रखते हैं तो क्या उसको वो अट्रैक्ट करेगी, मतलब अपनी तरफ खींचेगी, नहीं। यदि जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होगा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होगा उस कण को अपनी तरफ खींचेगी, अदरवाइज खींचेगी नहीं। ठीक है, तो इसी इसमें थोड़ा सा टेस्ला ने अपना बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो टेस्ला ने अपना वो दिया था, तो ये कह रहा है स्थिर अवस्था में आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जबकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यहाँ पर मैंने दो वर्ड बोले हैं, ध्यान से सुनना, कि जो क्या होता है स्थिति होती है आवेश, आवेश यदि एक जगह है, आवेश जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एक जगह है तो वो सिर्फ अपने चारों तरफ क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक, स्थिर अवस्था में आवेश, आप थोड़ा मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ, स्थिर अवस्था में आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जबकि गतिशील आवेश चुंबक क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र व चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड बोल दिया कि दोनों चीज़ उत्पन्न करता है। तो चुंबक क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश कण पर कार्य करने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं, मतलब किसी आवेशित कण, कोई एक कण है जो आवेशित है, वो चल रहा है, गतिमान है, तो उसके चारों तरफ दो फील्ड बन जाएंगे, एक तो गतिमान होगा, एक दिशा वो बनेगी, दूसरा विद्युत की दिशा बनेगी, और तीसरा चुंबक, मतलब मैं यहाँ पर विद्युत का मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र बनेगा और चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, तो जैसे आपने 11th क्लास में फिजिक्स में विकिरण के बारे में सुना होगा, विकिरण जो विकिरण होता है, विकिरण क्या होता है, जब कोई सूर्य से पार्टिकल्स आते हैं तो क्या होता है, उसके दो, मतलब दो तो फील्ड बनेंगे, क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के साथ में उसकी गतिमान डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, दिशा भी होती है। ठीक, और मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये कहना चाह रहा है इसमें चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश कण पर कार्य करने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय बल कहते हैं। अब चुंबकीय बल को दिखाने के लिए हमें क्या, एक मतलब आवेश, सबसे पहले आवेश की ज़रूरत होगी। ठीक है, फिर आवेश के साथ साथ क्या होगा, उसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, बल एक शब्द बोल रहा हूँ मैं बार बार, बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र पहले बाद में बनेगा, पहले बल की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बल को हम एफ से दिखाएंगे। माना कोई आवेश क्यों किसी चुंबकीय क्षेत्र बी, बी एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसको हम किससे बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला से दिखाते हैं या वेबर भी बोल देते हैं अपनी भाषा में, वेबर। ठीक है, तो बी फोर वेबर वही होता है। और यहाँ कह रहा है मैं वी वेग से गति कर रहा है, एक कण है, ठीक है, और उस पर आवेश है क्यों, और उस पर चुंबकीय क्षेत्र है बी, और उस पर जो वेग लग रहा है वो है वी, से गति कर रहा है, अतः आवेश पर लगने वाला बल,
तो इसका ये फॉर्मूला लगता है एफ इक्वल क्यू वी बी। वी यहाँ पर क्या है, वी जो आवेश है उसका वेग है, ठीक है। तो ये चुंबकीय बल का एक निगमन है, ठीक। आगे चलते हैं, यदि वेग वी तथा चुंबकीय क्षेत्र बी के मध्य कोण, बी के मध्य कोण थीटा है, तो एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। देखो एफ एक कैसी राशि है, मतलब फोर्स कैसी राशि, बल कैसी राशि, सदिश। तो इसमें साइन थीटा आ गया तो ये एक सदिश आत्मक दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। यदि एफ अदिश होता तो इसमें कोस थीटा आ जाता, लेकिन यहाँ पर सदिश है तो साइन थीटा आया। तो ये कह रहा है क्यू वी बी। यदि कोण 90 अंश है, कोण 90 अंश है, तो साइन 90 का मान कितना होता है, एक, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है एफ मैक्सिमम इक्वल क्यू वी बी, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को क्या करें, डेरिवेट करना है हमें, क्या करना, डेरिवेट मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र, ये कहना है सूत्र से चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए। तो यहाँ क्या करेंगे, बी, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, तो बी बराबर एफ मैक्स अपॉन क्यू वी। अब यहाँ पर क्यू आवेश जो होता है कूलम्ब बोलते हैं, इसे 1 मान लेते हैं, और वेग 1 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, मतलब वेग मान लिया 1 मीटर पर सेकंड, तब क्या होता है एफ बराबर, सॉरी बी बराबर एफ, तब बी बराबर एफ होता है। तो इसका एक परिभाषा बन जाती है कि क्यू का मान एक और उसके गतिमान या वेग का मान एक कर देने पर चुंबकीय क्षेत्र बल के बराबर हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा ना बोल करके बस मैं इतने बोलूँगा। देखो आपको यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा, एक आई और एक बी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा बायो सावर्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, जो ऑस्टेराइड का प्रयोग था, मतलब आर्स्टेराइड का प्रयोग था, उसके बारे में उन्होंने बताया था, तो बायो सावर्ट ने बताया, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। एक यहाँ पर बी की दिशा किधर दिखाई गई है, ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बी की दिशा एक सीधा हाथ की तरफ दिखाई दे रही है, और ऊपर से नीचे के ऊपर से नीचे की तरफ क्या दिखाई गई, करंट आई, और एक यहाँ पर जो नीले रंग की जो चक्री से दिखाई गई है वो एक साइन बना हुआ। तो ये क्या है, इसको भी समझाता हूँ मैं। तो ये एक आस्टाइट प्रयोग था, तो ये कहना चाह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, जब किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं या बहते हैं, तो क्या होता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। मैंने बताया था ना, एक विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। तो हम चुंबकीय क्षेत्र पर ज़्यादा नॉलेज रखेंगे कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ बन जाता है। जैसे वी जो दिखाया गया है, सॉरी ब्लू कलर में जो दिखाया गया है, ये चक्री जो है एक चुंबकीय क्षेत्र दिखाना चाह रहा है, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, और इसी के अनुसार हम बायो सावर्ट का नियम भी लगाएंगे। किसका, बायो सावर्ट का नियम। जैसे एक वायर है सीधा दिखाया गया, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनना जो नीले रंग का है, तो बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग एक डायग्राम दूसरा है, उसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको आसान भी लगेगा, और मैं समझाऊंगा भी। लेट्स मान लो कि एक ये वायर है, जैसे दिखाया गया है कि रेड कलर का वायर है, और इसके चारों तरफ सपोज करो एक करंट फ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा हो या फिर नीचे की तरफ हो रहा हो, तो क्या होता है, जब करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ क्या बनेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा इसके चारों तरफ। जैसे वायर है, वायर का सेंटर है ये, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जैसे मैंने पिछले वाले डायग्राम में दिखाया था। जब इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, एक डिस्टेंस होगी, मतलब छोटा सा तार होगा, एक अल्पतम दूरी होगी, जैसे यहाँ से यहाँ तक की इतनी बड़ी दूरी मान लो, मतलब एक छोटा सा तार है, उस तार की छोटी सी दूरी, इसको क्या बोल लेते हैं, जैसे डेल एल बोल देते हैं, ठीक है, या इस तरह भी दिखा सकते हैं डेल स्मॉल एल, मतलब एक छोटी सी डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना, एक छोटी सी है, बहुत छोटी सी, ठीक है। तो इसको ये मान लेते हैं, एक वायर है, वायर के ऊपर चाहे ऊपर की तरफ करंट जा रहा हो या नीचे की तरफ करंट जा रहा हो, वो तो इस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम ये इस पॉइंट पर करंट, हम इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र देखना चाहते हैं, तो क्या होगा, एक हमें इस तरह से निकालना पड़ेगा, एक वायर को हमें सीधा रखना पड़ेगा, जो कि डायग्राम मैंने पीछे, मतलब जैसे कि बुक के अकॉर्डिंग डायग्राम बना हुआ है, वो आपको आसानी समझ में आएगा, ठीक है। तो किस तरह है, मतलब एक वायर है, वायर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और उसके अंदर करंट भी फ्लो होती है, और किस डायरेक्शन में, जैसे सपोज करो पी पॉइंट हमने यहाँ मान लिया, हम यहाँ भी मान सकते हैं, ठीक है, इस तरफ भी मान सकते हैं पी पॉइंट, हम यहाँ भी मान सकते हैं पी पॉइंट जहाँ मैं रेड डार्क कर रहा हूँ, यहाँ भी मान सकते हैं, मतलब कहीं भी मान सकते हैं इसके चारों तरफ। तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से है, वो डायग्राम आपने देखा भी होगा बायो सावर्ट के लॉ में।
यहाँ आप देख पा रहे होंगे बायो सावर्ट मतलब एक वायर है, और वायर के चारों तरफ देखो, चारों तरफ जो क्या है चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इनटू प्लेन पी, एक प्लेन मान लिया पी, जैसे यहाँ दिखाया ना पी, ये पी मान लिया, ठीक है, ये चारों तरफ क्या हो गया उसका चुंबकीय क्षेत्र, जिसे बी से दिखाएंगे, मतलब डेल बी से, यहाँ पर डेल बी से दिखाएंगे इसको हम, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन दिखा रहे इस तरह से डेल बी, और यहाँ मैंने बोला था ना कि डेल एल आता है, मतलब छोटी सी डिस्टेंस है, ये छोटी सी डिस्टेंस है इसको बोलेंगे, ठीक, और यहाँ पर एक करंट फ्लो हो रहा आई, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ हो सकता है या नीचे से ऊपर की तरफ हो सकता है, वो तो इस पर डिपेंडेंट है, लेकिन हम इस डेरिवेट के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा मिनिमाइज करना होगा हमें। माना एक तार है जिसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है, और उसका अल्पतम हिस्सा मतलब छोटा सा हिस्सा जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ बन रहा है, और उसकी त्रिज्या जो तार की त्रिज्या है तो कितना होगा स्मॉल आर, और डेल एल अल्पतम हिस्सा मतलब छोटा सा हिस्सा, पर एक बिंदु पी दिखाया गया है जहाँ पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, डी बी मतलब डी बी का मतलब हो गया वहाँ एक छोटा सा अल्पतम, मतलब डी का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा, यह अल्पतम, ठीक है, जैसे फिजिक्स में आपने पहले ही पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो डी बी यहाँ पर होता है चुंबकीय क्षेत्र बहुत थोड़ा सा होगा वहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पे इसकी गणना करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने बायो सावर्ट ने तीन मतलब कम से कम चार पॉइंट अपनी तरफ से शो किए थे, उसी पॉइंट का अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँगा मैं। तो यहाँ ये कहना चाह रहा बायो सावर्ट के अल्पतंग के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डी बी का मान ज्ञात करने के लिए उन्होंने तर्क दिया था, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये कहना है डी बी का मान, या डी बी का मान चालक में प्रभावित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है तो डी बी जैसे दिखाना चाह रहा है डी बी, ठीक है, यहाँ दिखाना है डी बी आई, तो विद्युत धारा जो होती है इसके समानुपाती होती है, ठीक है। फिर आगे देखो इसमें ये कहना है चुंबक के सेकेंड पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी का अल्प अंश मतलब डी बी का मान अल्प अंश के समानुपाती होता है, तो डी बी चुंबकीय क्षेत्र होती है डी बी, ठीक है, मतलब डी बी का मतलब ये होगा बहुत ही छोटा चुंबक क्षेत्र या बहुत ही कम चुंबक क्षेत्र, ठीक है, डी एल उसके अल्पनांग या मतलब दूरी के अल्पनांग है। फिर कहना चाह रहा है पॉइंट नंबर थ्री, आर तथा अल्प अंश डी एल के मध्य कोण, तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है डी बी समानुपाती होता है साइन थीटा के, साइन थीटा के, जैसा कि बी एक चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र मैंने पहले बताया था कि जब चुंबकीय क्षेत्र होता है तो क्या होगा कि उस पर एक तीर का चिन्ह आएगा, मतलब एक सदिश राशि होगी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा दिखाएंगे, यदि अदिश राशि होती तो कोस थीटा हो जाता। तो ये कहना चाह रहा है इसमें पॉइंट नंबर फोर, अल्प अंश डेल एल तथा बिंदु पी के मध्य दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब व्युत का मतलब होता है जिसमें 1/r^2, क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है व्युत्क्रमानुपाती मतलब वर्ग उसकी घात 2 के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। तो यहाँ पर इन चारों पॉइंट को एक साथ में रखते हैं, जैसे आई आया यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले पॉइंट में आई आया था यहाँ, ठीक है, हमने यहाँ पर आई रख लिया है, फिर लिया हमने डी एल, हमने यहाँ डी एल रख लिया क्योंकि उसने डी एल दूसरी तरीके से बना के दिखाया, फिर यहाँ रखेंगे डी एल देखा, फिर इसमें आएगा मतलब थर्ड पॉइंट में साइन थीटा, तो हम क्या करेंगे साइन थीटा, फिर इसके अंदर दिखाएंगे 1/r^2, 1/r^2, तो यहाँ पर 1/r^2 हो जाएगा। जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पर बोला था वो था करंट, जो फर्स्ट पॉइंट पर बताया था वो था करंट, अभी जो मैंने फर्स्ट पॉइंट पर बोला था वो था करंट, तो यहाँ पर आई दिखा दिया, और जो सेकंड पॉइंट पर डी एल, तो यहाँ पर डी एल दिखा दिया, थर्ड पॉइंट पर साइन थीटा, साइन थीटा दिखा दिया, और फोर्थ पॉइंट पर है 1/r^2, तो 1/r दिखा दिया। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे एक स्थिर संख्या लेंगे, क्योंकि ये जो दिखाया ना डी बी एक ये साइन जो दिखाया गया यहाँ पर ये समानुपाती मतलब ये इस तरह का साइन दिखाया गया ये अधूरा होता है, तो उसे पूरा करने के लिए एक नियतांक बनाना होगा। तो यहाँ पर दिखाया ना म्यू नोट, जैसे आया ना म्यू नोट अपॉन 4π, दिखाया ना म्यू नोट अपॉन 4π, तो यहाँ दिखाया यहाँ म्यू नोट 4π, म्यू नोट 4π समानुपाती स्थिरांक है, समानुपाती
इस तरह के, इसका मान 10 की घात माइनस 7 एन अपॉन ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ए एम्पियर भी हो सकता है, तो यहाँ एम्पियर लिया गया और एन न्यूटन हो सकता है, ठीक है। तो ये इस तरह दिखाया गया है। तो चुंबकीयशीलता मतलब म्यू नोट का मान होता है चुंबकीयशीलता, ठीक, जो चुंबकीय पारगम्य पर या चुंबकीय पारगम्य दिखाता है। तो यहाँ पर ये डेरिवेट बनता है डी बी इक्वल म्यू नोट आई डेल एल साइन थीटा, हम डी को डेल भी बोलते हैं, साइन थीटा अपन 4πr², ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ इस वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देख लेना। ओके, थैंक यू।